लोकसभा चुनाव होने में अभी लगभग साल भर का समय है, लेकिन इसे लेकर माहौल एकदम टाइट हो गया है। कहा जाए तो माहौल इस तरह बन गया है कि लगता है चुनाव बहुत जल्द हो जाएगा। और यह भी लगभग फाइनल है कि इस बार बीजेपी जहां धर्म को मुद्दा बनाना चाहती है, तो इसकी काट में महागठबंधन कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़ रही है। और इसके संकेत बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा से भी मिलने लगे हैं। वे बार बार बिहार में रामराज लाने की बात कह रहे हैं, साथ ही बिहार में बदलाव की बात भी कह रहे हैं। वे तो यह भी कह रहे हैं कि पूरे बिहार को राममय कर देंगे और जब तक पूरा बिहार राममय नहीं होगा तब तक वे आते रहेंगे। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि बागेश्वर बाबा के रामराज से बिहार की सियासत में क्या बीजेपी को फायदा होगा। दरअसल हिंदू राष्ट्र के डिमांड करने और भगवान से अर्जी लगाने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से ही बिहार दौरे पर हैं। पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली मठ में उनकी कथा चल रही है। इस कथा में वे बिहार की भी खूब प्रशंसा कर रहे हैं, इशारों ही इशारों में सियासत के बदलने के भी संकेत दे रहे हैं और अघोषित रूप से बीजेपी के लिए चुनावी जमीन भी तैयार कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं बाबा बीजेपी के चुनावी गणित में फिट बैठ रहे हैं और यही वजह है कि बाबा की खातिरदारी में बीजेपी वाले कुछ अधिक ही लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि बाबा के स्वागत में किस प्रकार बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता मंच पर पहुंच गए थे और रात में भी कई बड़े नेता उनसे मिले थे और आशीर्वाद लिए थे। मंच पर स्वागत करने वालों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, सांसद रामकृपाल यादव समेत अनेक नेता शामिल रहे। बागेश्वर बाबा ने भी सभी को पीला अंगवस्त्र ओढ़ाकर आशीर्वाद दिए। इतना ही नहीं, पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय में भी बागेश्वर धाम वाले बाबा की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। इसके पीछे वोटों का ध्रुवीकरण बड़ा कारण है। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे उसे लोकसभा चुनाव 2024 में सनातनी वोटरों के ध्रुवीकरण का लाभ मिलेगा। लेकिन बाबा बागेश्वर ने जिस तरह रामराज पर फोकस किया है, उसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट अपने चश्मे से देख रहे हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा ने कहा कि बिहार की धरती माँ सीता की तपोभूमि है और यह धरती बदलाव चाहती है। कथा में बिहार को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ बदलाव होना चाहिए और बीजेपी भी चाह रही है कि बिहार में सत्ता का बदलाव हो। ऐसे में बीजेपी के नेता बाबा के बयान को अपने हित में मान रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा ने खुलकर राम लहर की बातें की। उन्होंने कहा कि राम नाम की बड़ी महिमा है और इस धरती पर राम लहर ही बदलाव लाएगी। बदलाव राम काज का है, राम काज के लिए संगठित होना होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बाबा ने संकेत दिए हैं लोगों को कि राम के नाम पर आप लोग एकजुट हो जाए, फिर तो बदलाव दिखेगा ही दिखेगा। अब आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान राम के भरोसे किसकी चुनावी वैतरणी पार होती है। बहरहाल बाबा ने जोर देकर कहा कि बिहार में रामराज आने तक वह लगातार आएंगे और कथा सुनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इसी साल सितंबर में गया आने का ऐलान भी कर दिया। कहा जाता है कि चुनाव के पहले तक वे भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इसे भी बीजेपी के लोग अपने लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। दरअसल सामने लोकसभा चुनाव है और ऐसा माहौल बनता है तो बेशक हिंदू वोटर एकजुट होंगे, फिर तो विरोधी दलों की 2024 वाली सियासी गणित बिगड़ते देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सियासी जमीन भी तैयार होगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बाबा बागेश्वर के इस रामराज और रामलहर का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, यह तो चुनाव में ही पता चलेगा।